अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, मिड टर्म पेपर्स ऑफ फॉल 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स, वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्विजेज हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज। अब लेटेस्ट क्विजेज का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ वन और क्विज़ टू हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विजेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विजेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंडआउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए, एमसीक्यूज़ के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनके जो हैंडआउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं, और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल, 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एमसीक्यूज से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं, किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा, कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवें हो जाता है। ठीक है, सो आज जो पेपर है वो है CS 609 का पेपर। कुछ पेपर्स हैं जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स सी, मोस्टली पोस्ट असेसमेंट वाले क्विजेस थे, अगर किसी को वो फाइल चाहिए तो ले सकता है। ओके जी, जिसका था उसी ने कहा है, राइट टू API फॉर मूव फाइल पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज़ विंडो प्रोवाइड टू हैंडल द फैसिलिटीज़ ऑफ बोथ 32-bit और 64-bit, जस्टिफाइंग योर आंसर, यानी करता है या नहीं करती तो जस्टिफाई करो। हाउ टू गेट द साइज ऑफ एलोकेट हीप, राइट प्रोग्राम फॉर फाइल हैंडल का प्रोग्राम था, राइट फाइल फीचर्स प्रोवाइड NTFS थे। नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया है, MCQs हाफ फ्रॉम पास्ट पेपर जुनेद फाइल और हाफ हैंडआउट से थे। ये फाइल वो है जो पास्ट पेपर्स की अवेलेबल है, आप लोगों को इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। वैसे मैंने भी मिड टर्म पेपर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, वहाँ भी देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव में विंडोज़ API का था एक क्वेश्चन, ये ऊपर भी पूछा गया है। टू विंडो रजिस्ट्री से रिलेटेड थे, वन एक्सेप्शन से रिलेटेड था, एक विंडो की से रिलेटेड था। ठीक है, आइडिया तो हो जाता है आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस यही पेपर था, दो पेपर्स थे। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। सो ये सेट नंबर वन है आई थिंक, और भी पेपर्स आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।